जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको रात में गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से कैसे असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण माह का महीना आरंभ हो चुका है और सबको पता है कि यह माह भगवान शंकर का प्रिय महीना है। इस महीने में पूजा करने वालों पर शिव सदा मेहरबान रहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार सावन में किया गया शिव का पूजन जल्दी ही शुभ फल प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ भूलोक का भ्रमण करने आते हैं और भक्तों के सभी दुख मुसीबत को हर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस माह में भगवान शिव को जल्दी कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। अपने नाम की ही तरह भोलेनाथ भी बहुत भोले हैं। कोई भी भक्त यदि पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सावन माह में शिव आराधना के कुछ सरल यदि किसी भक्त द्वारा कर लिए जाएं तो व्यक्ति को कई सारी परेशानियों के हल मिल सकते हैं। आइए बताते हैं कि सावन माह में कुछ उपाय जिनसे आपको कई लाभ हो सकते हैं। यदि घर के किसी सदस्य को असाध्य बीमारी हो तो परिवार का कोई भी सदस्य द्वारा यह उपाय किया जा सकता है। सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन का ही उपयोग करें। तांबे को छोड़कर किसी अन्य धातु का उपयोग ना करें। अभिषेक करते समय ओम जू सा मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव से नोग निवारण के लिए प्रार्थना करें और प्रत्येक सोमवार रात में 9:15 बजे के बाद गाय के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने का संकल्प लें। इसके अतिरिक्त आप 11,000, 21,000 या 1.25 लाख बार माँ मृत्युंजय का पाठ करें या किसी योग्य ब्राह्मण को संकल्प दिलवा दें। इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। माँ मृत्युंजय का पाठ करने से पहले जानकार पंडित से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि पाठ को करते समय कई सावधानियों व नियमों का पालन अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको सावन माह में गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने के फायदों के बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।